नमस्कार साथियों, आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेसन के चीले, और जो के बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट हैं, और इसके जिसको कि हम नाश्ते में भी इस्तेमाल खा सकते हैं, और खाने कभी कभार खाने में भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, ये ज़्यादा समय नहीं लगता। और इसके लिए मेरे पास है करीब 200 ग्राम बेसन, और ये कुछ मसाले जिसमें ये मिर्ची पाउडर है, ये अजवाइन है, हींग है इसमें, और ये नमक है, हरा धनिया है, और ये सरसों का तेल है, और ये रई का इस्तेमाल करेंगे पेस्ट बनाने के लिए, और ये ब्रश है जिससे उस पर चिकनाई लगाई जाएगी। तो अब मैं इसका पेस्ट बनाने जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें ये मसालों की आवश्यकता पड़ेगी, तब मैं आपको बताऊँगा। इसको हमें इस तरह घोलना है कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं हो जाए और ज़्यादा कम भी नहीं हो, ज़रा थोड़ा सा पेस्ट सही से बन जाता है तो चीले भी सही आते। तो मैं आपको अभी पूरा तैयार हो जाएगा तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का कितना इसको गाढ़ा तैयार करते हैं। अगर ये किसी कारणवश आपसे अगर पतला हो भी जाता है तो इसमें थोड़ा सा सूखा बेसन डाल लेते हैं तो ये अपनी स्थिति में फिर आ जाता है। अब ये मेरा पेस्ट तैयार है और मैं इसमें अब ये मसाले डालूँगी। तो इसके लिए ये मैंने टीस्पून लिए, इसके लिए ये आधा चम्मच मिर्ची पाउडर है, और इसमें ये नमक है, स्वाद के अनुसार डाल लीजिए नमक को तो आप, और ये थोड़ी सी अजवाइन और हींग है, और ये है मेरा हरा धनिया। बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर एक बार फिर मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अब ये पेस्ट हमारा पूरी तरह बनने के लिए तैयार है। अब हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हमें गैस को जला के उसके ऊपर तवा रखना है। अगला स्टेप, सबसे पहले हमें इस पर थोड़ा सा तेल लगाना है जिससे ये हमारा चीला है वो चिपके नहीं किसी भी तरह। बस ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लगा है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं इससे मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी जिससे ये आसानी से छूट जाए। इस पर हमने थोड़ी सी हल्की सी चिकनाई लगाई है बस, और ये हमारा चीला हो गया है तैयार।
ये हमारा चीला पूरी तरह सूखने वाला है। अब ये चीला हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। और आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको क्या बनवाना है। चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। और धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।